टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर क्या रद्द होगा भारत पाक मैच? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। गिरिराज सिंह बोले, रद्द हो भारत पाक मैच। क्या भारत पाक मैच पर विचार करने की जरूरत? आईपीएल के रोमांच के बाद क्रिकेट के एक और शानदार रोमांच का आगाज हो गया है। 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप का जश्न शुरू हो गया और 24 अक्टूबर की तारीख जब देश नहीं पूरे विश्व की निगाहें टिकी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 24 अक्टूबर को क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेगा। लेकिन इस मैच से पहले भारत पाक मैच को रद्द करने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मैच रद्द करने की मांग की और मैच पर विचार करने को कहा। टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी गतिविधि के बीच गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकियों ने गोलगप्पे बेचने वाले को निशाना बनाया था और शख्स की मौत हो गई थी। बिहार के बांका के रहने वाले शख्स के पिता ने भी मांग की है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का जो मैच होना है उसे रद्द किया जाए। इसके साथ ही पंजाब सरकार में मंत्री परगट सिंह की ओर से भी यही मांग उठाई गई है। वैसे इस वक्त क्रिकेट प्रेमियों के साथ पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पाक भारत को आज तक वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 5 बार मुकाबले हुए, 5ों बार टीम इंडिया को जीत मिली है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब पाकिस्तान को फाइनल में हरा कर अपने नाम किया था। 2 साल पहले वनडे वर्ल्ड कप 2019 में दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी और भारत ने मुकाबला जीत लिया था। इस बार भारत पाक टीम एक बार फिर आमने सामने होगी, लेकिन मुकाबले से पहले मैच रद्द करने की चर्चाएं तेज हैं और सवाल यह है कि वाकई भारत पाक के बीच ये मैच रद्द होगा या नहीं। टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर।